वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबान वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अला बर्ज़ा। तो जी कैसे हैं आप सब? तो जी ये है 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, और जी आज के दिन जैसे कि आपको पता है सबके घरों में शरबत, लंगर, नियाज ये सब होता है। तो जी मैं भी हमेशा की तरह शरबत ज़रूर बनाती हूँ और नियाज दिलवाती हूँ, क्योंकि 7 मुहर्रम से ही ना शरबत बनना शुरू हो जाते हैं सब जगह। क्योंकि जो लोग हिस्ट्री जानते हैं ना वाकया करबला की, तो करबला में पानी जो बंद कर दिया गया था ना, यानी कि पानी के लिए जो तरसा दिया था, वो 7 मुहर्रम से ही स्टार्ट हो गया था। और हम जो है यजीदियत को ख़त्म करते हैं यहाँ पर आके, कि तुम लोगों ने इस दिन पानी बंद किया था और हम लोग शरबत बांटते हैं अपने इमाम हुसैन के नाम का, उनके नाम का लंगर करते हैं। और हम में से कितने आशिक़ रसूल पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, जिसकी जितनी इस्तेआत होती है वो उतना करता है। तो जी यहाँ पर मैं शरबत बना रही हूँ और साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी। अच्छा जी ये मैंने किस तरह शरबत बनाया था इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 6 kg ऑल पर्स मिल्क पैक लिए थे, और जी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी शुगर, और जी उसके बाद ही मैंने कोई इसका जो शरबत होता है ना ये पूरा मैंने ये ऐड कर दिया था यहाँ पर। बस जी अच्छी तरह मैं शुगर को डिज़ोल्व कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं केवड़ा एसेंस डाल दूंगी, और चिया सीड्स जो है ना उन्हें भिगो दिया था 1 घंटे पहले ना, भापची जिसे तुखमा लंगा कहते हैं, बस जी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑल पर्स की विपिंग क्रीम थी मेरे पास, वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। तकरीबन 2 पैक मैंने यहाँ पर ऐड करे थे। तो जी मैं आपको दिखाती भी रहूँगी साथ साथ। और लास्ट में ना पूरा ये मैंने कंप्लीट करके रख दिया था, और जब शरबत बांटने का टाइम आया था ना, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 दर्जन है ना केलों का जूस बना के, और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था, और केले कट करके डाल दिए थे। तो ये शरबत बहुत ही ज़बरदस्त बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और जी मेरे हस्बैंड ने बनवाया था इस टाइम। वैसे तो मैं हमेशा वाइट दूध का शरबत बनाती हूँ सिंपल सा, उसके अंदर मेवे वगैरह ऐड करके वो ही बांटती थी, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा चेंज बनाया। और ये देखें यहाँ पे विपिंग क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये तकरीबन मैंने 2 विपिंग क्रीम के यहाँ पैकेट ऐड कर दिए थे, जिससे फ्लेवर शरबत के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आ गया था। तो जी बस ये था, और लास्ट में बर्फ़ ऐड कर दी थी, और ठंडा ठंडा फिर हमने सबको यहाँ पे बांट दिया था। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप में आपको ये शरबत कैसा लगा। चीख कर एक दिन खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना, वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने क्यों ना सिखाया अली अली कहना, जाना फिदा बहुत ज्यादा है।
आप क्या बोलेंगे? आज दस मोहर्रम है, ये अल्लाह ने सब बता दिया है। बस दुआ करें कि बारिश हो जाए, ताकि मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ये पावर होना चाहिए। तो जी शरबत भी मैंने बना के रख दिया था, बस आइस का वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड आइस भी ले आए, उसमें मैंने डाल दिए। और जी बस अब यहाँ देगी भी आ चुकी हैं। बस जी अब हम यहाँ पर सब जो बॉक्सेस हैं वो रेडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और मैं आपको साथ साथ दिखाती भी रहूँगी और आपसे बातें भी करती रहूँगी। तो जी बस ये खिलाना पिलाना ही, बस ये चीज़ें ही चलती हैं, क्योंकि हम जो है ना यजीदियत को ख़त्म करते हैं कि तुम लोगों ने खाना पीना जो कुछ भी बंद किया था ना, हम उतना ही इस दिन ये सब चीज़ें आम करते हैं और अल्लाह के नाम पर सबको खिलाते हैं, और इस दिन को हम हमेशा ज़िंदा रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी जितनी इस्तेआत रहेगी मरते दम तक हम ये चीज़ें करते रहेंगे, और बेशक इन चीज़ों में बहुत बरकत भी होती है और बहुत सुकून भी मिलता है। तो जी यहाँ मैंने अगरबत्तियाँ भी जला दी हैं, और बस अब नियाज के लिए हम निकालेंगे। सबसे पहले हम नियाज देंगे अलग बर्तन में निकाल के, उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हुसैन 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 बहिश्त नौजवान का है शाह हुसैन, लगाए क्यों ना नारा वाह वाह हुसैन। ताबद जो हक परस्त है वही चलेंगे, तूने जो दिखाई रा हुसैन। नवासाए रसूल है हमारे दिल का चैन है, नवासाए रसूल है हमारे दिल का चैन है। हुसैन सा कोई कहा, हुसैन सा कोई कहा, हुसैन तो हुसैन है, हुसैन सा कोई कहा, हुसैन तो हुसैन है। अब जी यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ अल्लाह बरज़ा जो है ना वो मेरे साथ साथ हेल्प करवा रही हैं, और जी बस यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस हैं ना उन्होंने सब ओपन करके एक सीक्वेंस में लगा दिए, ताकि जब उनके पापा फिलअप करने के लिए मांगें तो वो फ़ौरन इजी उनको देने में हो और वो जल्दी फ़िलअप करवा लें। तो यही होता है, हम अपने बच्चों को अपने साथ लगाते हैं ताकि बच्चों को भी नॉलेज होनी चाहिए, हर दिन का उन्हें पता होना चाहिए, हर त्यौहार का पता होना चाहिए, क्योंकि ताकि जब ये बड़े हों तो इनको सब एक होता है ना नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स हमने किया और हमने देखा तो आज हम वही कर रहे हैं, तो जब ये बड़े हों ये हमें देख के यही सब वो करें, तो बस ये दर नसल चलता रहे और हमेशा आज का दिन हम इसी तरह मनाते रहें। और मैं क्या करती हूँ कि जो भी 12 रबी अव्वल आती है, 10 मुहर्रम आते हैं, कोई भी ऐसा दिन आता है ना, तो मैं अपने बच्चों को उसकी नॉलेज भी साथ साथ देती रहती हूँ। अब मेरे बच्चों को भी इंटरेस्ट भी बहुत है, वो पूछते हैं मम्मा आज के दिन हम ये क्यों करते हैं, आज के दिन ये क्या हुआ था, मम्मा ऐसा क्यों हुआ था। तो सुबह से रात तक बस है ना बच्चे हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ मुझसे सवाल कर रहे थे, और मैं उनको हर सवाल का जवाब देती जा रही थी कि आज के दिन ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, आज के दिन ये नहीं करते, आज के दिन वो नहीं करते, और आज का दिन बहुत अकीदत और सादतमंदी से हम इस तरह से लंगर आम करते हैं। तो जी बस यहाँ पर बस मैं यही बात कर रही थी कि पहली मुहर्रम 10 से 10 मुहर्रम के जो दिन होते हैं ना ये बहुत ख़ास होते हैं। इन दिनों में जितना हो सके सदका खैरात नियाज जितनी हो सके करें, वैसे तो साल भर में कभी भी आप वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन होता है ना कोई एक दिन कोई एक तारीख फ़िक्स हो जाती है खुदा ने खास्ता, जैसे अगर हमारा अपना कोई भी प्यारा इस दुनिया से जाता है इस तारीख को इस दिन को, तो साल भर के बाद जब वो दिन वो तारीख आती है ना तो हम कैसे अफसुर्दा हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे इमाम हमारे प्यारे इमाम हुसैन और हमारे अहले बैत हमारे नबी का घराना तो पूरा शहीद कर दिया गया था।
तो हम इनकी कुर्बानियों को कैसे भूल सकते हैं। तो बस यही होता है ना, ये तारीख 9-10 दोबारा आती है ना, तो वो सारे जुल्म सितम यजीद के किए याद आ जाते हैं और अंदर से ही दिल नहीं करता कि आप कोई खुशी करें या मनाएं। तो ये होता है, बस अपनी मोहब्बतों के तकाज़े हैं, ये तो अपने अकीदा थे। और वाकया करबला हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है ना कि इमाम हुसैन उनके अहले बैत ने जो हमारे ऊपर किया है इतना बड़ा एहसान, और हम इतने बड़े एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं कि जिन तारीखों में जिन दिनों में हमारे अहले बैत पर इतने बड़े बड़े जुल्म किए गए, हम उन दिनों में हम उनकी तमाम कुर्बानियाँ भुला दें, ऐसा कभी नहीं होता और ना हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड और किड्स जो है ना वो नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लंगर। तो हमने पहले नेबर्स के हिस्से बना लिए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उसके बाद अब हम रिश्तेदारों के बना रहे हैं। तो यही होता है, पड़ोसियों का हक मैं हमेशा कहती हूँ पहले होता है और उनका पहले ख्याल करना चाहिए। और जी बस ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, तो हम उसी पर अमल करते हैं। तो जी बस यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड दोबारा आ गए देख पर, और दोबारा हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैक कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं और जितने भी लोग हैं अब ये सब वहाँ जाएगा। और जी बस यही होता है, और आज का दिन बस हमारा सब इसमें गुजरा बहुत, और यकीन करें इतना सुकून मिलता है ना ये सब करके, बहुत सुकून मिलता है। और आप थोड़ा सा भी कुछ बना लेना, अल्लाह पाक कुदरती उसमें बरकत भी डाल देते हैं और कुदरती उस चीज़ का जायका दुबाला हो जाता है। मैं हमेशा ये नोट करती हूँ, आज के दिन जो शरबत बनता है ना, आप यकीन करें इस दिन के अलावा कभी भी यही शरबत अगर मैं दोबारा ट्राई करूँगी ना, वो जायका आता ही नहीं है, चाहे जितने भी हम कोशिश कर लें। हलीम में वो जायका नहीं आता, उस शरबत में जायका नहीं आता। तो कहते हैं ना, बस अपने हर दिन की एक अपनी खासियत होती है, तो आज के दिन की भी बहुत खासियत है। और जी बस यहाँ पर सब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे हस्बैंड जो देंगे वापस करने जा रहे हैं शॉप पर, और जी बस सारे काम खुश असलूबी से हो चुके हैं। और अल्लाह पाक बस हमारा छोटा सा नजराना, छोटी सी न्याज अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस यहीं पर आज करती हूँ मैं अपना ब्लॉग का एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। और उम्मीद करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक मैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा।